अच्छा बेटा, हम बात करेंगे दोबारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला यूनिट है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमने पहले ही बात कर ली थी। एनाटॉमी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर है, रिलेशनशिप अमंग स्ट्रक्चर, ये होगी थी। फिर हमने फिजियोलॉजी की बात की थी कि जो बॉडी के स्ट्रक्चर का फंक्शन है, द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी स्ट्रक्चर फंक्शन, ये भी हो गया था हमारा। फिर हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी, मतलब उसको डिफाइन। एनाटॉमी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ हाउ बॉडी स्ट्रक्चर फंक्शन, ये हो गया था। अब फिर बात करेंगे पोजीशन ऑफ बॉडी। इंटीरियर होता है, एक पोस्टेरियर होता है। इंटीरियर क्या होता है? टू बी सिचुएटेड नियर, जो सिचुएटेड होता है नियर आर टू वर्ड द फ्रंट ऑफ बॉडी, जो हमारी फ्रंट साइड वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर। पोस्टेरियर टू द सिचुएटेड टूवर्ड द बैक ऑफ बॉडी, बैक साइड वाला, जैसे ये पिक्स में शो हो रहा है, ठीक है। इंटीरियर और पोस्टेरियर, इंटीरियर फ्रंट पार्ट होता है, पोस्टेरियर बैक साइड का। सुपेरियर और इंफेरियर, सुपेरियर और इंफेरियर का आपको पता है कि सुपेरियर अपर साइड होती है, मेन टू बी सिचुएटेड टूवर्ड द अपर पार्ट और हेड, जैसे हमने पढ़ा था सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा में क्या होता था? अपर साइड से ब्लड आ रहा, ठीक है। और इंफीरियर में हमने क्या पढ़ा था कि लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर लिप से जो ब्लड आ रहा है, ठीक है। इंफीरियर को कहेंगे टू बी सिचुएटेड टूवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी आर पोजिशन बिलो एन अदर आर्गन आर स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं क्रेनियल। क्रेनियल सबको ही पता कि ब्रेन से हेड से रिलेटेड, रेफर टू हेड एंड, और कार्डियल रेफर टू टेल एंड, ठीक है, ये होगा। फिर है मीडियल और लैटरल। मीडियल, मीडियल क्या होता है? टू बी क्लोजर टू द मिड लाइन, मिड लाइन जो होती है ना बॉडी की, जैसे ये पिक्स में देखा हुआ है कि दरमियान में से, टू बी क्लोजर टू द मिड लाइन ऑफ बॉडी आर स्ट्रक्चर बींग इंटरनल एज अपोज टू एक्सटर्नल। फिर हम बात कर देते हैं लेटरल की। लेटरल का आपको पता है ये साइड से, जैसे बाजू वाला आप देख रहे हैं कि ये लेटरल साइड, टू बी फर्दर अवे इन डायरेक्शन ऑफ इथर साइड फ्रॉम मिड लाइन ऑफ बॉडी आर स्ट्रक्चर। प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रॉक्सिमल ये पिक्स में भी दिखाया गया कि प्रॉक्सिमल क्या है, डिस्टल क्या है। प्रॉक्सिमल क्या होता है? टू वर्ड आर नियरेस्ट ट्रंक, नियरेस्ट जो पॉइंट होता है ना टू वर्ड नियरेस्ट, वो प्रॉक्सिमल होता है। डिस्टल अवे फ्रॉम ट्रंक होता है, ठीक है। आर पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ पार्ट, ठीक है, ये हो गया, ये भी हमने कर लिया था। यूनिलैटरल और बाइलैटरल, यूनि का मतलब होता है वन और बाई का मतलब होता है दो। तो यूनिलैटरल क्या? ऑन वन साइड। बाइलैटरल मतलब क्या हो गया? ऑन बोथ साइड। अब सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट डीप, ये भी हम, सुपरफिशियल क्या? नियर द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, नियर द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, जो आउटर सरफेस है ना हमारे लिए, जैसे हमने एपिडर्मस पढ़ा था, इस सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी के जो नियर होती है उसको हम सुपरफिशियल कहते हैं। जैसे हम कोई आईवी बर्नोला लगाते हैं तो हम कहते हैं कि सुपरफिशियल वेन पड़ी है, ऊपर ऊपर है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बिटवीन टू अदर स्ट्रक्चर, टू अदर स्ट्रक्चर, जैसे एग्जांपल दिया है नावल, नावल इज इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट बिटवीन लेफ्ट आर्म एंड कॉन्ट्रालैटरल राइट लेग। डीप का मतलब क्या? फर्दर अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ बॉडी, मतलब हम एग्जाम्पल लें बहुत ही डीप अंदर की तरफ हो, फर्दर अवे फ्रॉम सरफेस, सरफेस से दूर हो, डीप कहलाता है, ठीक है, ये भी हो गया था। हमने इसमें क्यूज के लिहाज से हम ये क्या करेंगे, डिफाइन फॉलोइंग टर्म। एनाटॉमी फिजियोलॉजी को इंटीरियर पोस्टेरियर क्या, सुपीरियर क्या, इंफीरियर क्या, क्रेनियल क्या, कार्डियल क्या, मीडियल क्या, लैटरल क्या, प्रॉक्सिमल क्या, डिस्टल क्या, यूनिलैटरल क्या, बाइलैटरल क्या, सुपरफिशियल क्या, इंटरमीडिएट क्या, ये हमारे हैं, ठीक है। फिर आप बात कर लेते हैं हम टर्म ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्सेशन और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पिक्स में शो हो रहा है कि फ्लेक्सेशन कैसे हो रही है और एक्सटेंशन क्या कैसे हो रही है, ये पिक्स शो कर रही है, ठीक है। फिर अबडक्शन एंड
अबडक्शन है, अबडक्शन मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम मिड लाइन, जो पार्ट अवे मिड लाइन से अवे अबडक्शन कहलाती है। अडक्शन क्या, मूविंग अ बॉडी पार्ट टूवर्ड द मिड लाइन, मिड लाइन टूवर्ड द मिड लाइन जो मूवमेंट है उसको अडक्शन कहते हैं। ये स्पाइनेशन और प्रोनेशन है। स्पाइनेशन रोटेटिंग हेड, हम हाथ रोटेट करते हैं, जैसे फोर आर्म लैटरली होल्ड सूप, जैसे ये क्या कहलाता है, स्पाइनेशन कहलाता है। और प्रोनेशन का क्या कहलाता है, रोटेटिंग हैंड फोर आर्म मिडली प्योर आर सूप। ये पिक्स में दिखाया गया एग्जाम्पल के लिहाज से। प्लंटर फ्लैक्सेशन है और डॉर्सी फ्लैक्सेशन फ्लैक्सेशन है। प्लंटर फ्लैक्सेशन पॉइंट टॉइज फुट डाउनवर्ड स्टैंड ऑन टिप टॉइज। डॉर्सी फ्लैक्सेशन पॉइंट क्या है, टॉइज फुट अपवर्ड फुट ऑफ द गैस पैडल है। इन्वर्जन है, इवर्जन है। इन्वर्जन क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट इनवर्ड, और इवर्जन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट आउटवर्ड। ये पिक्स में शोर है। मीडियल और लैटरल है। मीडियल और लैटरल क्या है, मीडियल रोटेशन है। इंटीरियर सर्फस मूव टूवर्ड द मिड लाइन, इंटीरियर सर्फस है, जैसे ये पिक्स के अंदर शो हो रहा है, आप चेक कर सकते हो कि इंटीरियर मिड लाइन मूवमेंट है। जो लैटरल क्या है, इंटीरियर सर्फस मूव अवे फ्रॉम मिड लाइन, सर्कमडक्शन है। सर्कमडक्शन लेटेन मीन अराउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सेशन एक्सटेंशन एंड अबडक्शन। अच्छा बेटा ये टर्मिनोलॉजी है, ये करनी है हमने, ठीक है।